नमस्कार सत श्रीकाल सलाम, स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू जरा हटके पर। 7 साल पहले सनी देओल की हीरोइन के तौर पर फिल्म सिंह साब द ग्रेट में हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाली उर्वशी रौतेला ने आखिरकार अपना वो स्लॉट पा लिया है, जिसके लिए वो अपनी पिछली फिल्म हेट स्टोरी 4 में बहुत कोशिश करती नजर आई थी। उनकी नई फिल्म बिरजिन भानुप्रिया हिंदी सिनेमा में उनको लेडी आयुष्मान खुराना का टाइटल दिला सकती है, बशर्ते वह आगे भी ऐसी ही लीक तोड़ने वाली फिल्में करने का साहस दिखा सके। आयुष्मान खुराना आज की तारीख में हिंदी सिनेमा के अव्वल नंबर सितारे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने वीरदान, लिंग स्तंभन की दिक्कत, समलैंगिक प्रेमी, बॉडी शेमिंग, गंजेपन जैसे कठिन विषयों पर हिंदी फिल्मों में काम किया है। यहां पर उर्वशी रौतेला ने भी इसकी शुरुआत आधी आबादी की प्रतिनिधि बनकर बिरजिन भानुप्रिया से की है। फिल्म का विषय बहुत ही सामायिक है और उर्वशी रौतेला की इस बात के लिए दाद दी जानी चाहिए कि उन्होंने विषय को लीक से भटककर ग्रेट ग्रैंड मस्ती वाले मूड में नहीं जाने दिया है। कहानी में उनके किरदार की चुप्पी, उनके चेहरों के भावों ने अपना काम बहुत उम्दा तरीके से किया। बिरजिन भानुप्रिया की कहानी आयुष्मान खुराना टाइप की फिल्मों में दादा कोडके के सिनेमा का कॉकटेल है। फिल्म सिर्फ व्यस्तों के लिए है, ये बात OTT ने खुद फिल्म के साथ बता रखी है। तो ज़्यादा उत्साह में आकर ऐसे घर के स्मार्ट TV पर बच्चों के सामने ना चला बैठना। फिल्म की कहानी इतनी सी है कि एक मिडिल क्लास लड़की के किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने में आने वाली दिक्कतों में एक टैरो कार्ड रीडर का बोला गया एक वचन, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, काम कर जाता है। फिल्म का मूल विचार बहुत उम्दा है और इसके कलाकारों ने स्क्रिप्ट के हिसाब से अपना काम भी बढ़िया किया है, लेकिन ऐसे विचार पर एक अच्छी स्टोरी की जरूरत फिल्म देखते समय महसूस होती है। भानुप्रिया के तौर पर उर्वशी रौतेला ने इस बार खुद को काफी संयमित और संतुलित रखते हुए कैमरे के सामने अदाकारी की है। यहाँ तक कि फोन पर दादा कोडके टाइप के द्व्यर्थी शब्दों पर उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वही उनकी असली पकड़ है इस फिल्म में। भानुप्रिया और उसके डफर पिता विजय के बीच के संवाद उस स्थिति को भी झलकाते हैं जिसमें पुरानी पीढ़ी का कोई पिता जब आज की पीढ़ी के हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश करता है तो कैसा हास्य उत्पन्न होता है वह भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा। पिता का बेटी से सैनिटरी पैड को लेकर चलने वाला लंबा हास्य ब्लैक कॉमेडी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसका आने वाले समय में खूब जिक्र होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। राजीव गुप्ता और अर्चना पूरण सिंह के बीच ना बनने वाली केमिस्ट्री भी एक अलग केमिस्ट्री है। रुमाना भोला का किरदार थोड़ा ओवरबोर्ड चला जाता है, थोड़ा बोर है। कहानी में इससे किसी बेहतर अदाकारों को लेकर फिल्म को बेहतरीन बनाया जा सकता था। गीत संगीत और तकनीकी पक्ष के हिसाब से भी फिल्म ठीक है। ये कहा जाए कि फिल्म कुल मिला के कॉमेडी और एडल्ट का भरपूर मिक्सर है। वयस्कों को बहुत पसंद आएगी, बच्चों को दूरी रखें। इसी के साथ आज का रिव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। अगले फिर किसी रिव्यू में आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।